मैकबुक प्रो की खुशी क्यों? सिल्वर है और ये है स्पेस ग्रे कलर। फाइनली मैकबुक जो है वो आ गया। ये देखो सर, न्यू ब्रांड की खुशी का अलग है। तो आज है सैटरडे और आज डेट है 3rd September और आज ना बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और खुशी इस चीज की है कि आज लाइफ में एक छोटी नहीं बोलूंगा मैकबुक प्रो की खुशी, क्योंकि आज हम लेने वाले हैं मैकबुक प्रो। अब कौन सा वर्जन लेने वाला है वो मैंने ऑनलाइन देखा है, बट मैंने सोचा कि स्टोर में जाते हैं उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। इसके पहले मैंने लिया था मार्केट प्लेस से, जो कि ऑलमोस्ट न्यू ब्रांड ही था। मतलब उसने प्रॉब्ली दो तीन मंथ यूज किया था। वो मेरे पास था i9 वर्जन। जितने में मैंने लिया था मार्केट प्लेस से उसमें और $200-$300 मुझे एक्स्ट्रा मिले, तो मैंने वो सेल कर दिया। और करंटली ना मैं टेम्पररी वो हिमांशा का मैकबुक यूज कर रहा, तो अब मेरे पास खुद का कोई लैपटॉप ऐसा है नहीं। मतलब ऑफिस का है बट एडिटिंग के लिए मैं हिमांशा का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये है मैकबुक एयर M1 है ये, और 2020 या 2021 का वर्जन। तो अभी इससे काम चल रहा है ऐसा कुछ नहीं, बट उसके एक पीछे अलग सीन है वो बोलता हूँ, रुको एक मिनट। बाल तो सेट कर दिया। और हाँ, एनीवे वेलकम बैक टू माय चैनल, और एक न्यू व्लॉग में स्वागत है आप लोग का। तो ऐसा इंट्रो देना जरूरी है व्लॉग में। दो एप्पल स्टोर है, एक तो है चर्म साइड में और दूसरा है यहाँ पे कौन सा है ब्रिस्बेन सिटी में। अब ब्रिस्बेन सिटी ना बहुत दूर हो जाएगा, चर्म साइड वाला वो भी मस्त है एप्पल स्टोर। तो मुझे जो मैकबुक चाहिए ना वो कौन सा है मैं तुमको बताता हूँ, रुको एक मिनट। मैं प्रॉब्ली 14 इंच के लिए जाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो 16 इंच मैकबुक होता है वो बहुत ज्यादा मतलब बड़ा हो जाता है, तो वो कैरी करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे ना एप्पल पे स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है, यहाँ पे मतलब हर जगह स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है। और एक रीजन है, ये एक रीजन है जिसने मुझे मोटिवेट किया मैकबुक लेने के लिए। कैसे मैं बताता ना, क्योंकि मैं इसका मैकबुक एयर यूज करता हूँ एडिटिंग के लिए। तो ये बोल रही, ये मतलब बच्चे कैसे होते कि नहीं नहीं ये मेरा है ये यूज मत करना, ऐसा लिटरली ऐसा क्या है? क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे यूज करने मिलता नहीं है, तो इसके लिए मुझे, मैंने तुझे बोला तू तेरे में सुखी रहे मैं मेरे में सुखी रहूं, तो इसलिए मैं सोचा कि ले लेते हैं। और ये जो मैकबुक प्रो मैं कम्प्लीटली यूट्यूब के पैसों से लेने वाला, और ये मैं बहुत ही प्राउडली बोल रहा हूँ। तुझे कैसा लग रहा है कि अभी मैं खुद का मेरा अलग से मैकबुक प्रो होगा तो मैं तेरा मैकबुक एयर यूज नहीं करूंगा? थैंक यू गॉड, ठीक है, ये बहुत मेरे पास आ गया अभी। इतने दिन से दिख नहीं रहा था मेरे को किधर। मैंने अरे उसका एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उसका स्टोरेज बहुत कम है, 256 GB, और ये एयर है ना प्रो सीरीज नहीं है। तो ऐसा है कि एप्पल के स्टोर में ना शूट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि उनकी कुछ पॉलिसीज है। सो इसलिए यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मुझे कौन सा मैकबुक लेना है, क्योंकि इसमें दो वर्जन्स आते हैं। तो मैं सोच रहा था कि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसलिए मैं थोड़े से पैसे खर्च कर लूँ, भले थोड़ा सा एक दो मंथ के लिए दुख होगा। तो आफ्टर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन सा मैकबुक लेना है। तो मुझे जो मैकबुक अच्छा लगा है वो ये वाला है, ठीक है, ये 14 इंच वाला है और वो 16 इंच वाला है। तो मैं मोस्टली यही लेने वाला हूँ। इसमें एक कलर है सिल्वर है और ये है स्पेस ग्रे कलर। तो आई थिंक स्पेस ग्रे कलर अच्छा लग रहा है, बट मॉडल ये अच्छा लग रहा है, ये बहुत कॉम्पैक्ट है। ये डेल का बड़ा वाला लग रहा है, डेल ज्यादा नहीं हो गया बड़ा लग रहा है। और अरे हापन कलर मस्त आट लोगे बट आई थिंक स्पेस ग्रे इज मच बेटर बिकॉज स्क्रैच। हाँ, अभी इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है, हाँ ये वाला इसमें 1 TB SSD है। तो आई थिंक आई विल गो विद दिस वन। तो अभी पूछते हैं कि कितना स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है और आप लोग को भी बता दो। ये पागल लड़की है, ये नेक्स्ट टाइम मुझे आने नहीं मिलेगा ये स्टोर में। ये मैकबुक जो है वो आ गया, तो अब इसको घर पे आके बस अनबॉक्स करना है। और मैकबुक जो है वो ले लिया है और घर पे जाके इसके अनबॉक्सिंग करेंगे। और बहुत ही अच्छी डील में मिला मुझे, और कितना स्टूडेंट डिस्काउंट मिला, मतलब कितना उन्होंने $300 का उन्होंने स्टूडेंट डिस्काउंट दिया। ऑल दो स्टूडेंट आई डी कार्ड मतलब मेरे पास नहीं था, ठीक है, इसका वो वैलिडिटी था, तो फाइनली ले लिया। मैं सोचा कि एक्चुअली इसको कार में रख देते, बट नहीं भाई, चोरी होने का डर वगैरह है और नहीं यार। तो अभी यहाँ पे मैकबुक के शॉपिंग के साथ साथ यहाँ पे क्या बोलते हैं, अनियन ब्रेड ग्रोसरी शॉपिंग भी हो रही है। मैकबुक और कांदा बटाटा की शॉपिंग हो गई है, तो अभी घर पे चल रहा है। और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग थिंग बोली, बल्लू बता बता बता
जो मुझे आज मालूम पड़ा किया और पसंद नहीं आया तो भी आके चेंज कर सकते 7 डेज के अंदर 14 डेज। सो बेसिकली अगर मैं मैकबुक ओपन कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ कम्प्लीटली उसको, और अगर इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि मुझे ये बहुत ज्यादा पावरफुल लगा या फिर मुझे और एक वर्जन चाहिए, तो वो लोग बोले कि 14 डेज के अंदर तुम कभी भी रिटर्न करो, हम लोग तुमको नया मैकबुक देंगे या फिर रिफंड देंगे। उन लोगों ने ये बात बता के बहुत बड़ी गलती कर दी राहुल। नहीं अच्छा है ना कि ऐसा मुझे अगर 14 डेज के अंदर लगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही पैसे स्पेंड कर दिए, ऐसा अचानक से रियलाइज हो गया तो मैं जाके रिटर्न करूंगा। नहीं मजाक कर रहा हूँ। फाइनली यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है कि 16 GB 1 TB SSD और बाकी का जो स्पेसिफिकेशन है वो आप लोगों को बोलता है। इसमें यहाँ पे क्या बोलते हैं सीरियल नंबर, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई ऑनलाइन कुछ भी हो सकता है। तो अभी फाइनली मैकबुक की अनबॉक्सिंग करेंगे। ये कैमरा मैन पीछे भी है और यहाँ पे भी कैमरा, दोनों एंगल आनी चाहिए। मुझे की मैकबुक, अरे वो मतलब ऐसा है एप्पल की अनबॉक्सिंग करने में करता। और ये प्लास्टिक को हम साइड में निकालेंगे, ठीक है। बस 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 बल्लू बस बस। ब्यूटी है यहाँ पे मैकबुक प्रो एनग्रेव किया है ऐसा। अरे अरे ये हमारा मैकबुक। इसके हाँ इसके अंदर क्या क्या है वो भी बताते हैं। इसमें बता तो ये इसको एक मिनट रुको, मैकबुक को थोड़ा टाइम साइड में रखते हैं। इसके अंदर क्या ये चार्जिंग कॉर्ड है और ये मैग्नेटिक चार्जिंग कॉर्ड है। चार्जर है वो मैंने फास्ट चार्जर इसके साथ आया, वो है 87 वॉट्स का आई गेस। इसमें दो आते हैं, एक आता है 67 वॉट्स और एक आता है 87। तो मैंने जो स्पेसिफिकेशन वाला लिया उसके साथ ऑटोमेटिकली 87 आ रहा है। ये देखो सर न्यू ब्रांड की खुशी का अलग। तो बाय द वे जब तक सेटअप रहा तब तक मैं इसके स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। मैंने जो ये लिया मैकबुक प्रो 1 TB लिया SSD और इसमें है M1 Pro चिप। इसमें दो आता है, M1 Max भी आता है, M1 Pro भी आता है। फाइनली इसमें एडिटिंग करने के लिए बहुत मजा आएगा, वीडियो एडिटिंग के लिए। इनफैक्ट कुछ और भी काम करना है मुझे तो वो सब कुछ इसमें करने के लिए मजा आएगा। नहीं मैकबुक में गेम नहीं नहीं खेल सकते, मतलब वो हाई ग्राफिक्स वाले गेम्स नहीं होते। बट बाय द वे गेमिंग के लिए तो मैंने नहीं लिया और गेमिंग के लिए यूजुअली लोग मैकबुक लेते भी नहीं। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो मैकबुक प्रो है मैंने कम्प्लीटली यूट्यूब के पैसों से लिया है। जैसे मैंने बताया कि लास्ट 3 ईयर से मैंने ऑफकोर्स यूट्यूब पे जो अर्निंग आ रही थी वो मैंने कभी ऐसे पैसे विड्रॉ नहीं किए थे, और फाइनली जाके मैंने ये मैकबुक के लिए मतलब इतने साल की मेहनत जो है वो हमारे इस मैकबुक में। आपको एप्पल में ना स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है, तो बेसिकली अगर आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड है वैलिड तो आप उनको दिखाओ, वो आपको $300 तक डिस्काउंट देंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसे आप पैसे सेव कर सकते हो। अगर आपको और जैसे एप्पल स्टोर में नहीं लेना, अगर आपको किसी दूसरे स्टोर से लेना तो JB Hi-Fi वगैरह बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है जहाँ से आप मैकबुक ले सकते हो, वहाँ पे भी बहुत सारी डील्स चलती रहती है क्योंकि एप्पल में यूजुअली कोई डील नहीं चलती। वहाँ पे सीधा जो भी एग्जैक्ट अमाउंट है प्राइस है वही वो लोग चार्ज करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पैसे बच रहे हैं तो आप बचा लो, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट $300 सेव हुए ये मैकबुक लेने के टाइम पे। ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको ये व्लॉग किसी भी रीजन से पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करो और सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट 24,000 सब्सक्राइबर, मतलब ऐसे ग्रो हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया इतने टाइम से। सो दैट्स इट, बाय बाय, शब्बा खैर, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।